दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यमुना जी के किनारे पर आया हुआ हूँ वृंदावन में। और पानी पहले ये पूरा रास्ता जो है हटा हुआ था पानी से, अब थोड़ा सा कम हुआ है पानी, बारिश हो गई थी आज उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अभी खतरा है, खतरा अभी टला नहीं है। आगे चलते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं कि आगे की स्थिति कैसी है। वैसे बहुत पानी कम हो गया है, लेकिन आज एक बैड न्यूज हमें सुनने के लिए मिली कि दिल्ली में फिर से यमुना जी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। तो इसका सीधा मान के हमें ये चलना है कि जब दिल्ली में जल स्तर बढ़ रहा है तो मथुरा वृंदावन की स्थिति भी आगे खराब होने की संभावना है। अभी स्थितियाँ सामान्य हो चुकी हैं, पानी बहुत कम हो गया है लगभग, लेकिन अभी जो निचले क्षेत्र हैं ना वहाँ पर पानी अभी है, जैसे कि परिक्रमा मार्ग के कुछ क्षेत्र जो हैं पानी से भरे हुए हैं, जैसे कि केशी घाट, सिंगार घाट, चीर घाट, इन जगह पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत जल्दी स्थिति सामान्य होगी और वृंदावन की परिक्रमा एक बार फिर से हम लगा पाएंगे। कुछ लोग हैं लगाने वाले जो पानी में घुस कर की भी लगा रहे हैं परिक्रमा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब इस जगह पर पानी कम हो गया है। धीरे धीरे ये स्थितियाँ सामान्य होती जा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो लोग वृंदावन आना चाह रहे हैं उनको यहाँ का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलता रहेगा, तो वो जल्दी से यहाँ पर आने की प्लानिंग अपनी करेंगे। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि वृंदावन आना अभी सही है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वृंदावन आना बिल्कुल सेफ है, बस घाटों से दूर रहना। जो घाट पानी से भरे हुए हैं उन घाटों से दूर रहना, क्योंकि उस जगह पर ज़्यादा पानी है। जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जो ऊँचे क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ है। अब अगर दिल्ली में पानी बढ़ रहा है तो मथुरा वृंदावन में भी पानी बढ़ सकता है। तो आज सुबह मुझे न्यूज मिली है, तो इसका मतलब यह है कि कल सुबह तक हमें पता चल जाएगा कि यमुना जी का जलस्तर दोबारा से बढ़ रहा है या नहीं। कितना तेज बहाव है यमुना जी का, आसपास के जितने भी क्षेत्र से सब पानी में डूब गए हैं, और यहाँ से आगे की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ स्थिति थोड़ी बेकार हो रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है यहाँ पर। और ये सिंगार घाट है, इस जगह को सिंगार घाट के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, और इसका नाम ही है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का सिंगार किया था, इस वजह से इस जगह का नाम सिंगार घाट है। तो इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ फुल पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सामान्य होती नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत पानी कम हो गया है, लगभग 5 फीट पानी कम हो गया है। ये जो आप देख रहे होंगे कितना पानी था, ये ढकेल पूरी डूबी हुई थी, तो यहाँ से पानी थोड़ा कम हो गया है। और देख सकते हैं कि लोग पानी में चल करके यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी का निकलना इधर से संभव नहीं है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इधर। ये देखिए, ये झोंपड़ी थी, दुकानें थी, सब डूब गई हैं पानी में, पहले से कम है पर पानी। इधर आप देख सकते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, यहाँ तक ये पानी था, लेकिन अब पानी कम हो गया है यहाँ पे। सकते हैं आप ये मंदिर भी पूरा डूब गया है, और यहाँ से आगे पूरा पानी पानी हो रहा है, तो यहाँ से आगे हम नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं कहाँ रास्ता है, कहाँ यमुना जी है, कुछ पता नहीं है, सब एक जैसा हो गया है। यहाँ देख सकते हैं आप मस्ती करते हुए लोग। दोस्तों ये है फिलहाल की स्थिति सिंगार घाट की, और पानी कम हो गया है, लगभग 4 से 5 फीट पानी कम हो गया है, तो अच्छे संकेत हैं ये। देखते हैं आगे चल के पानी और सामान्य होता है तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और लोग आराम से यहाँ से आ जा सकेंगे, क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। और जो लोग वृंदावन में परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे थे उनके लिए स्थिति ख़राब है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम वृंदावन में घूम घूम के, देखो पानी में घूम घूम के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, खतरा ले रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला वीडियो जरूर देखना, बहुत जल्दी आएगा। राधे राधे, जय श्री।